Rakhi is not just about shivling, but about celebrating love, protection and mutual care in all forms. Capture some essence of this festival through simple, heartwarming moment, tying Rakhi, cooking together and spending our quality time. आज तो कुछ है, हाँ राखी तो बेटे के लिए मुझे तो कुछ करना चाहिए, चलिए करते हैं। और ये वाला जो बुक हम बेटे के लिए ही लाए हैं, उसको देने वाले हैं। हेलो, क्या कर रहे हो? मैं तो अभी लिख रहा हूँ। हेलो, क्या कर रहे हो? मैं तो अभी लिख रहा हूँ। क्या आज रक्षाबंधन है? मेरे को तो पता ही नहीं था। रुको, मेरे को मम्मी के लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। उसने सही बोला है, आज रक्षाबंधन है, मम्मी के लिए सच में कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए? आइडिया। सो अभी हम कढ़ाई में घी दे रहे हैं। घी से हम बनाएंगे बेसन वाला लड्डू। तो आज ही हम YouTube में देख रहे थे, बेसन वाला लड्डू पहले भी बनाए थे लेकिन भूल गए, क्योंकि ये सब खाना क्या होता है ना, हर रोज़ तो हम लोग नहीं बनाते, तो क्या से क्या होता है वो भूल गए थे। तो इधर मेरा जो आप कप देख रहे हो, इस कप का हम मतलब एक कप 1/4 टाइप ऑफ हम घी दे दिए थे, और उसके साथ साथ हम दो या फिर 2.5 कप ऑफ बेसन डालेंगे, और बेसन पकाते पकाते भी हम घी डालेंगे, क्योंकि घी मतलब अभी कम दिए है, पहले से ही ज़्यादा घी दे के बेसन डालेंगे तो वो, और इसको स्लो फ्लेम में पकाना है, और पहले से ज़्यादा घी दे के बेसन पकाएंगे तो वो लंप होने का चांसेस रहता है। तो हम कुछ कुछ करके मतलब अगर ज़रूरत पड़े वो देख के हम इसमें घी डालते जाएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम शुगर। शुगर में हम ब्राउन शुगर ऐड कर रहे हैं। दिस इज़ द कप, सेम कप आई यूज टू टेक, एंड इसमें हम ले रहे हैं, कैमरा का पोजिशन ठीक करते हुए अभी हम कर रहे हैं। और प्लीज़ अवॉइड द आउटसाइड नॉइज़, क्योंकि आई हैव शूट दैट थिंग्स इन द मॉर्निंग, सो अभी इसमें बहुत ही चारों तरफ से गाड़ी का नॉइज़ आएगा, सो प्लीज़ अवॉइड दैट। सो आई जस्ट प्रे टू माई गॉड के आई कैन अचीव वन माइक। तो माइक का अगर अरेंज कर पाएंगे तो ले लेंगे, लेकिन हम लग रहा है कि मोनेटाइज हो जाने के बाद ही हम माइक लेंगे, उससे पहले तो नहीं लेंगे। तो खैर देखते हैं, अभी हम शुगर ऐड कर दिए। शुगर देखिए एक कप के मुताबिक हम ले लिए ब्राउन शुगर, तो फिर ये हम ऐड करेंगे, और वो जिसमें लंप ना होते जाए इसलिए हम स्पैचुला को हिलाते जाएंगे। देखिए अभी हम ब्राउन शुगर ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट आई वॉज थॉट के इसको हम डस्ट करके ऐड करें, आफ्टर दैट आई वॉज थॉट के
नहीं, इसको अगर डस्ट करके ऐड करेंगे तो मुंह में ये मेल्ट होते जाएगा, क्योंकि बेसन के लड्डू में थोड़ा सा मुंह में आना चाहिए, तो इसलिए इसको हम ऐसे ग्रेनुअल की तरह ही रहने दिए, क्योंकि जब पकाएंगे हाथ से तब ये पूरा मॉइस्ट छोड़ देगा और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट खिल के आ जाएगा। और इसके साथ हम कार्डोमम पाउडर ऐड कर रहे हैं। कार्डोमम मतलब इलायची पाउडर, आप लोगों को पता है आई यूज़ टू मेड एट होम। तो अभी ये हम कर रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे दिखा रहे हैं बहुत आसान है, लेकिन बहुत ही गर्म था और हाथ में थोड़ा सा ऑयल या घी लेके आप लोग इसको मतलब कर सकते हो, ऐसे शेप दे सकते हो बॉल की तरह या लड्डू की तरह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ऐड सम ड्राई फ्रूट्स और किशमिश और एनी काइंड ऑफ डेट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो ऊपर में फॉर द डेकोरेशन, बट मुझे ऐसे ही बहुत ही अच्छा लगा तो हम इसको रहने दिए। राखी तो बना लिया मेरे लिए और मम्मी के लिए, पर मम्मी को क्या ये अच्छा लगेगा? गाइस प्लीज बताओ मुझे। चलो गाइस देखते हैं मम्मी को क्या ये वाला राखी पसंद आता है या नहीं। मम्मी आपके लिए एक गिफ्ट है। क्या है? हाथ आगे बढ़ाओ। इट फ्लिप द ट्रेडिशनल शिवलिंग फोकस सेलिब्रेशन to highlight that Rakhi can also honor the protective and loving role of a mother, creating a heartfelt and emotional moment. Because no bond is greater than that of a mother and son, celebrating love, protection and togetherness, this Rakhi. आपने बनाया ये? हाँ, मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया है। बहुत अच्छा है। Thank you. और एक सच में कहाँ है? रुको, पहले आइस बंद करो। चलो गाइस देखते हैं मम्मी को क्या ये वाला गिफ्ट पसंद आता है या नहीं। मम्मी आके खोलो। ओह माय गॉड, मम्मी के लिए बेटे ने ये रक्षाबंधन में ये देखिए हाथ में पहना है और ये वाला गिफ्ट दिए, तो मम्मी कैसे भूल सकता है बेटे का गिफ्ट, है ना? हाँ। आपके लिए तो गिफ्ट है। ओके, आई एम एक्साइटेड। आर यू रेडी? यस। ओह वाओ, बेटे के लिए गिफ्ट है। So, आपके लिए एक चीज है। आपको गिफ्ट चाहिए था ना? हाँ। देखा, इनको गिफ्ट चाहिए था। और जो गिफ्ट मिलेगा
Are you excited for that? Book hai, the Gita for the children. Thank you. कैसा लगा मेरा वाला गिफ्ट? कुछ बोलना चाहोगे दोस्तों को? गाइस मेरे को क्या पता था मम्मी मेरे को बुक गिफ्ट करने वाली है। मेरे को लगा था मम्मी मेरे लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट करेंगी, पर उन्होंने मेरे को बुक गिफ्ट कर दिया। पर अभी किया ही क्या जा सकता है, मम्मी का गिफ्ट है तो वो देना ही पड़ेगा। बोल दिया दोस्तों को? हाँ। तो चलो अभी दोस्तों को हैप्पी रक्षाबंधन बोल दे। हाँ, रक्षाबंधन में आप लोगों को हार्दिक शुभकामना। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स। थैंक यू। देखिए रक्षाबंधन जो है ये एक प्रोटेक्शन है, ये एक लव है। ऐसा नहीं है कि बस भाई बहन ही इसको सेलिब्रेट कर सके। दुनिया में कोई भी रिश्ता, वट एवर द रिलेशनशिप इन बिटवीन द बॉन्डिंग एंड देयर हैव द प्रॉस्पेरिटी अलॉन्ग विद परफेक्ट प्रोटेक्शन एंड ऑल। सो हम लोगों की तरफ से आप सबको, देशवासी को और पूरे दुनिया को हैप्पी रक्षाबंधन। हाँ, रक्षाबंधन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जिनके मम्मी पापा नहीं होते, वो अकेले भी बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स। दे हैव फ्रेंड्स। क्या उल्टा बात कर रहे हो, जिनके मम्मी पापा नहीं होते वो मेरी बात नहीं है, वो भी तो सेलिब्रेट करते हैं। तो उनके पास भी फ्रेंड्स होते हैं। सो आप लोगों के साथ अगर फ्रेंड्स हो और मम्मी पापा हो तो मेरे को तो लग रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से आप रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर सकते हो। बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मम्मास एंड माय चैनल।